देश में हर तरफ चुनाव का मौसम है। मौसम मानो ऐसा आ गया है जैसे हर गली हर चौक चौराहों पर नेताओं की बारिश हो रही है। समय बदला, समय बदलते के साथ साथ वोट करने का तरीका भी बदला। आजादी के बाद से भारत में हुए चुनाव और आज के चुनाव में काफी कुछ बदलाव देखा जा रहा है। इस बदलाव का कितना असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है, इसे भी सोचने की जरूरत है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चूरी एकत्रित के पूर्व मुखिया सर बायोग्रिड रिटायर्ड सीसीएल कर्मी दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा बताते हैं कि 50 के दशक में सन 1957 में उन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। उस समय मत देने का उम्र सीमा 21 वर्ष तय किया गया था। उनसे बातचीत के बाद उन्होंने कई रोचक तथ्य भी बताए और आज के वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह की करवट देश ले चुका है उस पर भी अपनी राय रखी है। तो आइए सुनते हैं बायोग्रिड पूर्व मुखिया दिनेश शर्मा के साथ बातचीत का प्रमुख अंश। चुकी है। अच्छा, पहले के चुनाव और अब के चुनाव में कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। हमारे याद है 1957 के द्वितीय चुनाव, अब तब प्रचार का तरीका कुछ अलग था। जीप वगैरह से प्रचार तो एक कांग्रेस पार्टी का ही होता था और दूसरी पार्टियों को तो औकात ही नहीं थी कि जीप से प्रचार करें। तो बाकी लोगों एक लोहे का टीना का बना हुआ भोपू होता था मुंह में लगा करके और वोट मांगा करते थे। जिस गांव में प्रचार करने वाले आते थे वहां बच्चों की भीड़ लग जाती थी और सड़क पर एक जीप आती थी तो गांव से दौड़ दौड़ करके सारे लोग देखने के लिए उसको जाते थे। समय बदलते गया। 1962 में कुछ और बदला, फिर 1967 में आकर के बहुत बदलाव हुआ। मतदान केंद्र कैसे रहते थे, लोग वोट डालने का क्या समय सारणी क्या था? मतदान केंद्र कहीं कहीं तो कपड़ा तान करके बना दिया जाता था, क्योंकि सरकारी इमारत तो उस समय सभी गांवों में होते नहीं थे। आज बहुत कुछ बदला। हाँ, उस समय तक बूथ कब्जा करने की बात नहीं हुई थी। बूथ कब्जा करने की बात शुरू हुई तो 1967 और सर्वप्रथम बिहार में ही इसका इजाद हुआ। दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बूथ कब्जा क्या होता है। बहुत आगे बढ़ा, कांग्रेस पार्टी का वजूद घटता गया, बहुत सारी पार्टियां आती गई और पैसा भी बहुत लोगों के पास आते रहा। तरह तरह के तरीका आने लगे। लालच वगैरह उस जमाने में कुछ नहीं था, निस्वार्थ भाव से वोट देते थे। कांग्रेस पार्टी को ही लोग वोट देते थे, बस उसकी समझ यही थी कि भारत की आज़ादी इसी ने दिलाई है और गांधी नेहरू की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी थी, दो भाग में बटी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, एक जनसंघ थी। और पार्टी किसी किसी खास क्षेत्र में, जैसे इधर छोटा नागपुर में राजा रामगढ़ की पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी के नाम से, बाद में जनता पार्टी बना लिया उन्होंने। आज बहुत पार्टियां होंगी, बहुत उम्मीदवार आने लगे। हालांकि इलेक्शन पहले का खर्चीला नहीं था, आज खर्चीला हो गया है, फिर भी उम्मीदवार ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा भी बढ़ा है। एन केन प्रकार है, बहुत लोगों को पैसा आने का सोर्स भी बढ़ गया है। तो हम लोगों ने जब पहली बार वोट किया था तो उस समय 21 वर्ष आयु हुआ करती थी, अभी तो 18 साल हो। और पहली बार जब वोट देने हम लोग गए थे तो जितनी उत्सुकता थी कि रोमांच हो रहा था, शरीर में कंपन हो रहा था,
हाथ थर थर कांपता था। आज तो देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा कहीं कहीं देखा बूथों पर पीछे के दौर में जब बैलेट से होता था कि वो बोगस वोटिंग कर रहा है, धड़ाधड़ बूथ पर मुहर मार रहा है। खैर ईवीएम के आने से ये चीज हुई। इलेक्शन कमीशन भी पहले लगता ही नहीं था कि कुछ है, टीएम सेशन के आने के बाद लगा कि चुनाव आयोग भी कोई चीज है। और पहले भारत का चुनाव आयोग नहीं था, भारत सरकार का चुनाव आयोग की तरह लगता था। और आज भी चुनाव आयोग इस चीज को बरकरार रखे हुए है, वो निष्पक्षता है। लाख लोग उंगली उठा दें लेकिन मेरी समझदारी जो है चुनाव आयोग सही रास्ते पर जा रहा है। हम लोग चुनाव के प्रचार में पैदल घूमा करते थे, पार्टियों से भी पैसा नहीं मिलता था, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग अपने पैसों से घूमा करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। बूथ खर्चा शुरू के जमाने में देखा था, कांग्रेस पार्टी जब सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी थी, सरकार उसकी थी सब जगह, तो बूथ के खर्चा के नाम पर 2 रुपया मिलता था। उसी से आप चैलेंज कीजिए, बच गया तो सामने उससे चाय पानी पी लीजिए। आज ऐसी बात नहीं है, एक एक बूथ पर एक एक पार्टी के कई कई हजार रुपया खर्च हो रहे हैं। तो इस चीज पर विचार करना होगा। आज गरीब आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, बड़े लोगों की चीज होगी योग्यता रहते हुए भी। और ये मानसिकता जनता में भी हो गई है कि वो लाख ईमानदार हो, कर्मठ हो, समाजसेवी हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है, वो झोला लटका करके पैदल आता है वोट मांगने के लिए, तो हंसी का पात्र बन जाता है। अब जहाँ 10-20 गाड़ियाँ आती हैं, राइफल वाले उसके साथ आते हैं, तो जनता उसी को वोट देना पसंद करती है। अच्छा, जाति धर्म को जो बांट कर लोगों को वोट मांगा जाता था, पहले से चला आ रहा है या पहले जाति धर्म था, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता था, तो हावी नहीं था। हर कंस्टिट्यूएंसी में जात के एक एक नेता हुआ करते थे, 57 और 62 तक की बात में जा, वो हर जात के एक नेता होते थे। उन्होंने बोल दिया कि वोट इसको देना है, तो पूरी जाति के लोग उसको वोट देते। उसके लिए वो घर घर जाना नहीं पड़ता था, न कोई रोकता था, न कोई मनाता था, लोगों की अपेक्षाएं भी नहीं थी। आज अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ी है, कहीं चाहिए गाँव में तो कोई दली मांगता है, कोई ढोलक झाल मांगता है, कोई दारू पीने के लिए पैसा मांगता है। खुद अपना अनुभव है, जब कार्यकर्ता बन के हम लोग वोट मांगने जाते थे तो ये सब चीज से सामना हुआ है। ये द्वेष भी नहीं था। प्रचार करने से आज तो बहुत जगह है कि इस पार्टी का नहीं जाएगा, वो उम्मीदवार नहीं जाएगा, पहले ये सब बात नहीं थी। जिसको जहाँ मन है वहाँ प्रचार के लिए जाओ आओ, स्वागत होता था बल्कि सभी का, वोट भले देते थे कहीं एक ही जगह में। हाँ, बूथ पर है सो सिपाही उपाही तो पहले नज़र भी नहीं आता था, तब भी शांति रहती थी। आज भारी पुलिस बल रहते हुए भी कहीं कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं। खैर, समय के साथ तो सब कुछ बदलता है, बदलता ही जाएगा। और यह हमारा लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया में सबसे अजूबा है। संविधान से यह बहुत बड़ा अस्त्र मिला है हम लोगों को कि बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों की सत्ता हमारी एक वोट से बदल जाती है। न्यूट्रल मैन के नाते आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज के दौर में जो चुनाव हो रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई में कोई चैलेंज है या फिर लोग को भ्रमित किया जा रहा है? आज के जमाने में वोट मांगने का तरीका ही बदल गया है, पूरी तरह झूठ और फरेब पर आधारित है। तरह तरह के प्रचार किए जा रहे, मुद्दा से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है।
मुद्दा है गरीबी दूर करने का, मुद्दा है बेरोजगारी दूर करने का, मुद्दा है विकास का, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद इसकी कोई परिभाषा भी नहीं बता रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद कर देना, यही राष्ट्रवाद हो गया। ये चीज़ गलत है और गलत दिशा में लोगों को दे रहा है। तो एक पक्ष जो करता है उसका रिएक्शन दूसरे पक्ष पर होता है। कोई मुसलमानों से अपील कर रहा है, कोई सवर्णों से अपील कर रहा है, कोई पिछड़ों के लिए वोट मांग रहा है, कोई SC ST के लिए वोट मांग रहा है, समाज के सम्यक विकास के लिए कर रहा है। मेरे ख्याल से ये गलत राह पर चुनाव की राजनीति जा रही है। सच बोल, एक भाषा की मर्यादा नहीं रही। बड़े बड़े लोग मर्यादा विहीन बात बोल रहे, कोई किसी को चोर बन रहा है, कोई किसी कह रहे तुम्हारा बाप चोर था, कोई बोल रहे तुम्हारा नाना चोर है। ये सब करके क्या हासिल होगा? हम आने वाली पीढ़ी को जो संदेश दे रहे हैं वो बहुत गलत जा रहा है। इससे व्यक्तिगत विद्वेष, सामाजिक विद्वेष तो फैल ही रहा था, अब व्यक्तिगत विद्वेष तक आ गया। हालांकि ये लड़ाई पहले की लड़ाई तो है नहीं कि ढाल तलवार लेकर के लड़ गए, दो हाथ तलवारबाजी हो गई, कुछ लाश उधर गिर गया कुछ इधर, उससे तो कोई बात बनने को नहीं है। और सर्वोपरि जनता है, ये सबके बाद जनता समझ रही है। मतदाता जागरूकता को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसके बावजूद भी देखा जाता है पोलिंग बूथों पर लोगों की भीड़ नहीं पड़ पाती है। आप एक सभ्य और बुजुर्ग नागरिक होने के कारण इन युवाओं को या फिर वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आएँ और मत का प्रयोग करें? हमने कहा कि हमारे संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था दी और उसमें सबसे बड़ा हथियार हमको दिया है मतदान का। फेसबुक पर हमने अपील भी ऐसा किया था, चुनाव जिस दिन शुरू हुआ, पहला चरण का चुनाव हुआ। एक चीज हमारे ख्याल से चुनाव आयोग ने गलत किया है, ये नोटा जो दिया है अधिकार, नोटा से अच्छा तो वोट देने नहीं जाता था, वही था। उसके वोट देने या न देने का कोई मतलब तो निकलता नहीं। तो हम अपनी अगली पीढ़ी से यही अनुरोध करेंगे, समाज के सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि वोट देने जाइए, सब काम से ऊपर ये सबसे बड़ा त्यौहार ये, इसको हल्के में न ले, इसकी उपेक्षा नहीं करें, जाकर के भारी संख्या में मतदान करें, जहां आपकी इच्छा हो वहां कीजिए, निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के, आपका मन जहां करता है वहीं जाकर।